दोस्तों ये वाले देखिए वाईफाई एडाप्टर, इससे जो है हम लोग जो डीवीआर होते हैं, डीवीआर को जो है ऑनलाइन में कनेक्ट करेंगे। जो भी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जो डीवीआर का व्यू है उसको हम लोग व्यू करेंगे, इसका इंस्टॉलमेंट करेंगे। तो देखिए एडाप्टर को प्लग इन करने के बाद फर्स्ट आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, क्योंकि वाईफाई एडाप्टर में आपको जो है अपने सेलफोन से या कुछ भी राउटर से जो है पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंटरफेस आपको प्लग इन करते ही आने लगेगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो वाईफाई का पेज आपको दिखा रहा है, यहाँ पे पोको M3 मेरा सेलफोन का मॉडल है, तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो इसमें जो है आपका जो भी हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड जो है आप टाइप कीजिए। तो दोस्तों कहना चाहूँगा ये DVR जो है CP+ का है, तो हाइकविजन वगैरह जो भी है अपना अपना जो है अलग अलग सिस्टम होता है। तो इस तरह से ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, मेरा DVR जो है ऑनलाइन आ चुका है। तो देखिए स्टेटस में पहले आप देख लेना है कि DVR जो है ऑनलाइन बता रहा है नहीं बता रहा है। उसके बाद जो है तो इसको चेक करने के लिए देखिए आप लॉग इन करिए इस DVR में, जो भी आपका एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है उसको डाल करके आप लॉग इन करिए। कनेक्ट होने आपका जो DVR है ऑनलाइन में आया नहीं आया इसको देखने के लिए। तो इस तरह से लॉग इन करने के बाद जो है आप ये देखिए CP+ में आपको नीचे ये जो इंस्टा ऑन क्लाउड बोल के लिखा होता है, इसमें आने के बाद ये देखिए स्टेटस में स्टेटस को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको ऑनलाइन दिखाएगा। ऑनलाइन दिखाने के बाद जो है जो भी सेलफोन में आप इसको व्यू करना चाहते हो उसमें प्ले स्टोर में जा कर के आप जैसे ही CP+ टाइप करेंगे, GCMOB बोल के ऐप जो है ऑटोमेटिक चला आएगा। तो ये हैकविजन और जो भी है हनीवेल, ये सब इसका अलग अलग है। तो ये देखिए ऐप जो है इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से परमिशन पूछेगा आपसे। तो कैमरा को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट में क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद ये देखिए ऊपर का राइट साइड का सिंबल में क्लिक करने के बाद वाईफाई डिवाइसेस, तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन में कॉन्फिगर डिवाइसेस में यहाँ पे जा कर के नेम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। और सीरियल नंबर के लिए देखिए जो स्क्रीन में हमको बारकोड जो दिखाया गया है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो अपना यूजर नेम पासवर्ड है DVR का उसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद स्टार्ट लाइव व्यू प्रीव्यू में क्लिक जैसे ही करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। और इसमें जो है मोबाइल से जो है वाईफाई एडाप्टर लगा के कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत है, कभी कभी जो है दिक्कत भी हो सकता है। सबसे अच्छा ऑप्शन है आप जो है फाइबर का कनेक्शन ले लीजिए ब्रॉडबैंड का, और DVR को जो है ऑनलाइन में करके रखिए, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं से भी इसको व्यू कर सकते हो। तो इस तरह से व्यू को चेंज कर सकते हो आप, जितना भी स्क्रीन आपको चाहिए, 16 व्यू, 8 व्यू, 9 व्यू। और जो भी कैमरा है, कैमरा को डबल क्लिक करते ही जो है कैमरा जूम हो जाएगा। तो देखिए इसमें प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है, पर्टिकुलर कैमरा को सेलेक्ट करके जैसे ही प्ले में दबाएंगे इसका बैकअप जो है प्ले करने लगेगा। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। ये देखिए कैमरा को डबल क्लिक करने पर कैमरा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से सेटअप करके आप भी जो है कैमरा को लाइव देख सकते हो अपना सेलफोन में।